देखो, चार एप्लीकेशन जो थी आपके आइजनबर्ग के नियम के ऊपर, वो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। चौथी एप्लीकेशन जो मैंने कल की क्लास में करवाई थी, वो थी आप लोगों के नेचुरल विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के अंदर, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो उसके उस ऊर्जा स्तर में ठहरने के समय के दौरान जो उसका जीवन काल है, या उसमें जो ठहरने का समय होता है, उसके कारण उसके अंदर क्या हो जाती है, एनर्जी में क्या हो जाती है, अनिश्चितता के कारण उसके अंदर क्या हो जाता है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो उसके बारे में पढ़ा था। और टोटली कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित हो, भले वो हाइड्रोजन हो, कोई भी अन्य हीलियम वगैरह, कितने भी प्रकार के आप टाइप के अगर परमाणु पढ़ लो, उन सब में जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं या एक्साइटेशन स्टेट में आते हैं, तो उन कंडीशन के अंदर जो उनकी स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर वृद्धि होती है, वो किसके बराबर होती है, किस फ्रिक्वेंसी के बराबर की होती है, वो होती है आपके 7.96 × 10⁶ सेकेंड इनवर्स के बराबर। आपको मालूम है लैम्बडा बराबर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल्टा लैम्बडा डेल्टा म्यू के, मतलब लगभग 7.96 × 10⁻⁶ मीटर। आप मल्टीप्लाई करोगे सी के बराबर की इसके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हमें इन्हीं के ऊपर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पूरा हो गया है। अब इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में आपके एक तो इसके ऊपर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम करेंगे, दूसरी चीज इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के ऊपर एक इसका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के दो रिजल्ट है। एक तो कौन सा, आपकी सूक्ष्मदर्शी नियम के आधार के ऊपर स्थिति और संवेग में अनिश्चितता के लिए कुछ फॉर्मूला निकाला जाता है, वो है। और दूसरा आप लोगों के डिफ्रेक्शन व्यतिकरण के ऊपर, मतलब सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन तथा डबल स्लिट डिफ्रेक्शन के ऊपर दो नियम है या दो प्रयोग है, जो हम नेक्स्ट क्लासों में कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको करेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप लोगों के, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी है, 0.1 न्यूटन मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, स्थिति में अनिश्चितता दी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। इलेक्ट्रॉन की डेल्टा एस का मान कितना है, 0.1 नैनोमीटर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻¹⁰ मीटर, या फिर एक एंगस्ट्रॉम के रूप में भी लिख सकते हो। ये तो क्या है, ये इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है। अब इसने पूछा किसके वेग में अनिश्चितता को पूछा है, और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के स्थिति का संवेग अनिश्चितता अनिश्चितता संबंध से हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कैट अपॉन टू। तो यहां से डेल्टा पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच कैट अपॉन टू इंटू डेल्टा एक्स, ये मान आ गया। अब आपको मालूम हो तो किसी भी पार्टिकल का संवेग जो होता है, कण का संवेग जो होता है, मान लो एक्स दिशा में गति कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एम वी एक्स। तो यहां पर अगर हम संवेग में होने वाले परिवर्तन या संवेग की अनिश्चितता को ज्ञात करना चाहे, तो वो डेल्टा पी एक्स इसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स बराबर एम इंटू डेल्टा वी एक्स के, क्योंकि मास तो कभी भी पार्टिकल का चेंज नहीं होगा। चेंज हो सकता है तो या तो उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है, या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अभी तक हम पार्टिकल के ऐसा नॉन रिलेटिव स्टिक लेके चल रहे हैं, इस वजह से ऐसा है। लेकिन आपको मालूम हो रिलेटिव स्टिक पार्टिकल के लिए मास भी चेंज हो जाता है, वो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम हो, तो उससे हम क्या लिखते हैं, एम बराबर एम नॉट रूट वन माइनस
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस कंडीशन में मोमेंटम, इस कंडीशन में मास भी चेंज हो जाता है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब जो भी पार्टिकल ले रहे हैं वो कौन सी कंडीशन में स्थित है? नॉन रिलेटिव स्टेट कंडीशन में है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कहाँ पर कितनी नहीं है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर की नहीं है या उसके लगभग इक्विवेलेंट नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हम कैसा पार्टिकल ले रहे हैं, नॉन रिलेटिव स्टेट, और उसका मास जो है उसके कारण इसके मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे डेल्टा पी एक्स बराबर क्या हो गया, एम इंटू डेल्टा वी एक्स। तो यहाँ से डेल्टा वी एक्स का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स बराबर डेल्टा पी एक्स अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखिए पी एक्स की जगह पे अगर हम डेल्टा वी एक्स लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी एक्स इक्वल्स टू एच कट अपॉन टू इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एच कट अपॉन टू एम इंटू डेल्टा एम डेल्टा वी एक्स। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, पहले तो एच कट का मान 1.054 इंटू 10^-34, 2 इंटू एम का मान 9.1 इंटू 10^-31, इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मान है आपके एक्स की पावर -10। यहां से इसका जो संवेग सॉरी वेलोसिटी में अनिश्चितता जो है उसका मान कितना हो जाएगा, वो लगभग आता है आपके 5.8 इंटू 10^5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, इसके अंदर संवेग सॉरी वेलोसिटी के अंदर अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी की वैल्यू है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। मतलब डायरेक्टली कभी भी सीधी तरीके से ये नहीं पूछेगा कि संवेग में स्थिति में दी हुई है तो संवेग में ज्ञात कीजिए, इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो वो अंदर से अंदर की तरफ क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्या है, स्थिति में अनिश्चितता दे दी थी, तब वो पूछ किसकी अनिश्चितता है, संवेग की अनिश्चितता नहीं पूछ रहा है, जबकि वो पूछ किसकी अनिश्चितता रहा है, वो इसके अंदर पूछ रहा है आपको उसके वेग की अनिश्चितता पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, उसके अंदर संवेग के अंदर का क्वेश्चन हो गया। मोमेंटम है वो वेग के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, परंतु यहाँ पे वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एक्स बराबर एच कैट अपॉन टू एम डेल्टा एक्स हो गया। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है आपको। ठीक है, यह हो गया हनुमान स्वरूप नीलू लाजू विक्रम। दूसरा क्वेश्चन, एक गतिशील प्रोटॉन, गतिशील प्रोटॉन का किसी क्षण x निर्देशांक 0.00 0.0123 mm तथा 0.0127 mm के मध्य पाया गया है तो उसके वेग में अनिश्चितता ज्ञात होगी। अब यहां पर संवेग में स्थिति में अनिश्चितता तो नहीं दी है, परंतु उसने इस क्वेश्चन में ये बोला है कि स्थिति फिक्स निर्धारित नहीं है, परंतु जो स्थिति है वो किन किन दो बिंदुओं के मध्य है, 0.0123 mm से 0.0127 mm है। तो मतलब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगी कि इन दोनों के मध्य उसकी स्थिति में अनिश्चितता लगभग कितनी है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो यहाँ पर ये गतिशील प्रोटॉन है, उसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन। मतलब
लास्ट स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दोनों के डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो गतिशील प्रोटॉन है जब वो किसी समय गण गति कर रहा है तो गति के दौरान उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की निश्चित अनिश्चितता कितनी होगी, वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर 0.0127 माइनस 0.0123, डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0.004 मिलीमीटर। और इसको जब आप आगे लिखोगे तो क्या आ जाएगा 4×10⁻⁷ माइक्रोमीटर में लिखोगे तो 40 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके संवेग मोमेंटम के अंदर हमको पहले तो क्या करनी पड़ेगी, अनिश्चितता का सूत्र लिखो, या फिर आपको अभी जो लास्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो फॉर्मूला लिखा था वो सेम का सेम फॉर्मूला देख लो। तब यहाँ पे देखो क्योंकि तो आपने जो पहले पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स है वो लगभग किसके बराबर होता है, h कट अपॉन 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स डॉट m इंटू डेल्टा वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, h कट अपॉन 2 डेल्टा वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, h कट अपॉन 2 m इंटू डेल्टा वी एक्स। अब देखिए न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग इक्विवेलेंट 1.67×10⁻²⁷ kg के करीब होता है, तो वो मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से डेल्टा वी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी एक्स बराबर 1.054×10⁻³⁴ अपॉन 2×1.67×10⁻²⁷ इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा 4×10⁻³। और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आपके जो बराबर आएगी वो किसके आएगी, डेल्टा वी एक्स बराबर, डेल्टा वी एक्स बराबर 0.029 मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है ना, डेल्टा वी एक्स का मान कितना हो गया 0.029 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको आप लिख सकते हो 29 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो भी उस रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें है आपके एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 300 मीटर पर सेकेंड है, इसमें 0.001% की परिशुद्धता या फिर क्या है अनिश्चितता हो तो, अनिश्चितता हो तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात की है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीज है कि जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिखना चाहे तो हम सीधा से यहां से 300 मीटर पर सेकंड का गुणा किससे कर दे, इलेक्ट्रॉन के मास से कर दे तो इसका मोमेंटम डायरेक्ट निकल जाएगा। परंतु उसने बोला जब हमने उसका वेग निर्धारित किया 300 मीटर पर सेकंड तब उसमें कितनी अशुद्धि या फिर उसमें कितनी अनिश्चितता है,
0.001% की अनिश्चितता, मतलब 300 मीटर पर सेकंड के ऊपर कितनी अनिश्चितता है, इसकी कितना गुना 0.01% की अनिश्चितता है। तो हम अगर 300 का गुना 0.01% से करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के अंदर अनिश्चितता के मान की गणना हो जाएगी। जब वेलोसिटी में अनिश्चितता निकल जाएगी तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम में अनिश्चितता को लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम में अनिश्चितता जो होगी वो क्या होगी, इस वेलोसिटी में अनिश्चितता और इस पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगी, वो निकल गई। तो उसके पश्चात हाइजेनबर्ग के सिद्धांत जो कि क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके एच कट अपॉन टू, उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, इसकी स्थिति में भी अनिश्चितता को ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन की स्थिति में हम अनिश्चितता को, सॉरी सब वेग में अनिश्चितता को क्या लिख सकते हैं, वेग में अनिश्चितता जो होगी वो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, डेल्टा वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एक्स इंटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट। तो डेल्टा वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300 इंटू 0.001 अपॉन 100। तो डेल्टा वी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0.003 मीटर पर सेकंड, या फिर 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर पर सेकंड, 3 मिलीमीटर पर सेकंड के बराबर इसके क्या होगी, वेग में अनिश्चितता होगी। डेल्टा वी एक्स का मान निकल गया तो आप लोग इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, यहां से आप स्थिति में अभी अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, एच कट अपॉन टू। तो यहां से डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन टू इंटू डेल्टा पी एक्स के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से एच कट अपॉन टू एम इंटू डेल्टा वी एक्स, ठीक है। अब यहां से मान रखो इस फॉर्मूले में तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर 1.054 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 34 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 31 इंटू डेल्टा वी एक्स का मान कितना है, 3 इंटू 10 की घात माइनस के 3 या फिर 0.003 मीटर पर सेकंड। यहां से डेल्टा एक्स का मान जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहां से डेल्टा एक्स का मान आपके 0.019 के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है वो इस मोमेंटम और इससे रिलेटेड है, और भी जो क्वेश्चन होंगे जैसे कि एनर्जी के ऊपर और टाइम के ऊपर रिलेटेड होंगे, उसके एक आधा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कल की क्लास में, बाकी वाले जो मैं नोट्स दूंगा उसमें आपको उसके ऊपर भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में जो बचेगा वो एक टॉपिक है जो इस हाइजेनबर्ग अनिश्चितता, मतलब नॉर्मली जो आपके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के दो इसके रिजल्ट है जो कि इसके अनिश्चितता सिद्धांत को प्रूव करते हैं या फिर इसके सक्सेस के कारण को बताते हैं। वो एक तो आप लोगों के सूक्ष्मदर्शी का नियम या फिर टेलीस्कोप वाला एक मेथड है वो है जिसके द्वारा स्थिति और संवेग में अनिश्चितता के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, और साथ में एक आपके व्यतिकरण है जो कि दो प्रकार से किया जाता है, एक सिंगल स्लिट के द्वारा और एक डबल स्लिट के द्वारा जो व्यतिकरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके अंदर दो क्लासें लगेगी, एक क्लास में तो आप लोगों के टेलीस्कोप वाला मेथड हो जाएगा और दूसरी क्लास में आपके डिफ्रेक्शन वाला मेथड भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी प्रयोग में, यदि
किसी प्रयोग में, यदि किसी प्रयोग में 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि किसी प्रयोग में 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता एक एंगस्ट्रॉम हो, या फिर हम ये कह सकते हैं स्थिति के निर्धारण की सीमा, स्थिति के निर्धारण की सीमा एक एंगस्ट्रॉम हो तो उसी क्षण उसके संवेग में अनिश्चितता का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, मतलब आप देखोगे तो बुक के अंदर अलग तरीके से इस तरीके से लिखा हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, कि अगर हम उसकी स्थिति में स्थिति के निर्धारण की सीमा कितनी मान ले, 1 एंगस्ट्रॉम ले ले, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम की स्थिति में अनिश्चितता के लिए उसके संवेग में अनिश्चितता का परसेंटेज ज्ञात करना, मतलब डेल्टा पी एक्स है वो रियल में जो पी एक्स की वैल्यू, मतलब मोमेंटम का जो रियल मान है उसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत इसके संवेग में अनिश्चितता होगी वो ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके लिए आप देखो डेल्टा एक्स का मान दिया हुआ है, उस डेल्टा एक्स के आधार के ऊपर आप पहले तो किसका मान ज्ञात कर लो, डेल्टा पी एक्स का मान ज्ञात कर लो, मतलब संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कर लो। और हाइजेनबर्ग सॉरी डी ब्रोगली के सिद्धांत से आप क्या कर सकते हो, डी ब्रोगली पढ़ लो, या फिर आपको मालूम हो तो कोई भी पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मोमेंटम का फंक्शन होती है, ई इक्वल्स टू आप क्या पढ़ते हो, मतलब ये गतिज ऊर्जा जो है वो किसका फंक्शन है, किसका फलन है, मोमेंटम का। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मास तो परिवर्तित, द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन उस पार्टिकल का क्या है, संवेग जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहेगा, वो कभी भी नियत नहीं रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस तरीके से आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया या फिर उससे बाहर से बल लग रहा है उस तरीके से उसके मोमेंटम के अंदर भी क्या हो जाता है, गति चेंज होने के, वेग चेंज होने के कारण उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। इस वजह से कहते हैं कि जो एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, मोमेंटम का फलन होती है। तो इस आधार के ऊपर मोमेंटम का रियल मान आप निकाल सकते हो क्या, 2m into e के रूट। इस फॉर्मूले की सहायता से जो ये प्रयोग में आपने इलेक्ट्रॉन लिया है उसके संवेग का मान आप ज्ञात कर सकते हो, रियल में उस एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर उसका मोमेंटम क्या है वो ज्ञात कर सकते हो, दी गई अनिश्चितता के आधार के ऊपर संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हो। तो उस कंडीशन में डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू 100 करोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, संवेग में अनिश्चितता का परसेंटेज भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अनिश्चितता का परसेंटेज हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए, फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया क्या लगेगा, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता का मान क्या है, डेल्टा एक्स बराबर 1 एंगस्ट्रॉम या फिर 10^-10 मीटर। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, एच कट अपॉन 2 के। तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एच कट अपॉन 2 into delta x जो कि किसके बराबर होगा, 1.054 × 10^-34 अपॉन 2 × 10^-10। यहाँ से जो वैल्यू आती है मोमेंटम की अंदर अनिश्चितता की वो क्या होगी, 5.27 × 10^-25 kg/s। अब देखिए मोमेंटम में अनिश्चितता निकल गई, अब ज्ञात करना क्या बाकी रह गया, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करना है तो इसलिए रियल में मोमेंटम क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। तो यहां से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2m into
ठीक है, और ई के बराबर कितना दिया हुआ है, 2 किलो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 × 1.6 × 10⁻¹⁰9.1 × 10⁻¹⁰ 31 × 2 × 10^2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में आ जाएगा। तो यहां से जब ये मान रखने के पश्चात जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जो पी एक्स की वैल्यू है आपके वो लगभग किसके बराबर आ गई, अब देखिए ये 2 × 10⁻² जो है वो किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किस में चेंज कर सकते हो, जूल में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में चेंज करोगे तो क्या होगा, वो लगभग देगा 1.6 × 10⁻¹⁹ 19 से उस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करना है, जूल में चेंज करना है। तो यहाँ से जो एनर्जी ई के बराबर आपने लिखी है 2 × 10⁻², वो वाली जब आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करोगे, जूल में, तो क्या हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ 19 × 10⁻²। तो यहां से जो ई के का मान जो आता है तो वो वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 3.2 × 10⁻¹⁶ जूल के बराबर। ठीक है, अब इस मान को इस सूत्र में रखोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 3.2 × 10⁻¹⁶ तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा वो क्लब का कितना आता है आपके, वो आता है 2.41 × 10⁻²⁷ kg/s। अब इन दोनों का आपको क्या लेना है, इसका और इसका आपस में रेशियो लोगे तब उस कंडीशन में आपके क्या निकल जाएगा, परसेंटेज के रूप में भी तो एक अनिश्चितता निकल जाएगी। तो यहां से परसेंटेज अनिश्चितता का मान क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू 100% तो ये 5.27 × 10⁻²⁷ / 2.41 × 10⁻²³ × 100 और ये वैल्यू है वो लगभग, यहाँ से ये 10^-23 ऊपर जाएगा तो 10^-25 हो जाएगा, और 5.27 में 2.41 का जब आप भाग दोगे तो देखिए -25 ये +23 और ये 100 तो 25 से 25 कट गया, तो भाग से अब किसका बचा, 5.27 के अंदर किसका भाग देना बच गया, 2.41%, और ये वैल्यू जो है वो आपके कितने, 2.19% के बराबर है। इतना आसान इसके अंदर, कहां से रिपीट करना राजू, जल्दी से बताओ कहां से रिपीट करना है, लास्ट स्टेप या सेकंड लास्ट स्टेप या पूरा करना है, ईके से ये वाला। अब इसमें तो क्या है, ये ईके में क्या है, 2 × 10³ के का मान रखा, ठीक है, के का मान रख के 2.12 × 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में बदल गया, जूल में बदल गया, जूल में बदल गया। तो उस कंडीशन में जो पी एक्स का मान है वो हम निकालेंगे तो वो लगभग किसके बराबर आता है, 2.41 × 10⁻²³ kg/s के रूप में आ जाएगा। इस मान को वापस हमने क्या किया, परसेंटेज अनिश्चितता, स्वयं में अनिश्चितता का परसेंटेज निकालना है। तो जो हमने स्वयं के अंदर अनिश्चितता ज्ञात की थी डेल्टा पी एक्स की, उस मान के अंदर नीचे किसका भाग देना पड़ेगा, इस पी एक्स का। जब इसका भाग दोगे तो आप लोगों को इसके अंदर परसेंटेज अनिश्चितता का मान भी मिल जाएगा।
सीधा सा मान रखा है और कुछ भी नहीं किया है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में चेंज किया है, इस वजह से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 से मल्टीप्लाई किया, तब वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, जूल में चेंज हो जाएगी, और कुछ भी इसमें नहीं किया एक्स्ट्रा।